यस ओके तो एक बार फिर आप सबका वेलकम है आज की कॉल के ऊपर। और एक मिनट यार, एक्चुअली फैन चलाया था तो मैंने कहा फैन बंद कर दें, रिकॉर्डिंग करनी है तो फिर वो उसकी आवाज आती रहेगी। एक बार फिर आप सबका वेलकम है आज की कॉल पर। और जैसे कि सबको पता है कि हम इस अपॉर्चुनिटी में लगभग 2018 से ही काम कर रहे हैं और काफी सारे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि अभी अपनी टीम में 18,000+ लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी ये बोलता हूँ कि उन 18,000 में जो भाई लोग काम कर रहे हैं, जो नहीं भी काम कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबली किसी एक सिंगल बंदे का लॉस नहीं होने दिया है कंपनी ने। तो ये अपने आप में एक हिस्ट्री है, क्योंकि मोस्ट प्रोबली होता क्या है कि जब भी कोई बंदा किसी भी प्रोजेक्ट में रहता है और किसी प्रोजेक्ट में काम करता है तो गारंटी तो यहाँ भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में आती है चीजें कि अगर कोई भी पर्सन काम कर रहा है और उसका लॉस नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा अपने को भी खुशी होती है। मैं प्रीवियस थोड़ी सी बात करूं इसको स्टार्ट करने से पहले, जब हम बिस्ट्रेड में थे, बिस्ट्रेड चल रहा था, कोरोना का पीरियड आया। और जब कोरोना का पीरियड आया उस टाइम में कंपनी ने जितने भी पैकेजेस थे वो सबको बिटकॉइन में मूव किया। लेकिन जितने भी भाई लोगों ने, चाहे किसी ने 2 मंथ का, किसी ने 4 मंथ का, किसी ने 6 मंथ का, किसी ने 8 मंथ का, इवन किसी ने अगर 11 मंथ का भी प्रॉफिट बनाया था, तो कंपनी ने उन सब के प्रॉफिट को एज अ गिफ्ट उनको दिया था, सबको याद होगा। और उसके बाद वो कॉइन में आए, तो उसके बाद उनका प्रॉमिस था कि आफ्टर 1 ईयर हम आप है? हाँ जी, बोले जी। कुछ बोल रहे हैं? मैं भी सभी को म्यूट कर रहा हूँ, फिर बाद में जिसके जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे पूछ सकता है। तो उसके बाद कंपनी ने एक प्रॉमिस किया सबको कि आफ्टर 52 वीक्स हम आपके कॉइन आपको रिफंड करेंगे। और कंपनी ने आपको कॉइन भी रिफंड किए एंड ब्लॉकचेन को चेंज किया। उसको लेकर कंपनी ने सामने से जो है आपके साथ में 3 से 4 अभी तक कन्वेंशन किए हैं, जहां पर आपको एक से एक चीज को सामने से एक्सप्लेन किया है। मोस्ट प्रोबली होता क्या है कि कोई भी कंपनी चुपचाप से चीजों को चेंज करती है और बोलती है कि आगे जो लोग हैं वो उसको डिलीवर कर दें। किसी ने कर दिया तो ठीक है, किसी ने नहीं किया तो ठीक है। मुझे ले लो, आज मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मान के चलो मैं जिस कंपनी को छोड़ के चला गया होता हूँ, जैसे बहुत सारे भाई लोग चले गए छोड़ के, अगर मैं इस कंपनी को छोड़ जाता तो और लोगों की तो यहाँ पर जो था पैकेजेस उन्होंने बाई किए हुए थे ना, उनको तो कॉइन्स मिले हुए थे। तो कंपनी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, कन्वेंशन कॉल की सबको, उनके ईमेल पर उन्होंने मेल दिया और सबको एक्सप्लेन किया कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कंपनी नहीं चाहती तो नहीं करती, बोलती ठीक है यार हमने बता दिया, जिसको करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन कंपनी का विजन बड़ा है, तो उसी को लेकर थोड़ा सा शेयर करते हैं। एक कंपनी जिसका नाम बिस्टेड है, जो कि 2018 से कंटिन्यू चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले कहा कि यहाँ पर जो है ऑनलाइन है, गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं रिंकू भाई मैं इतने पैसे लगा दूंगा गारंटी ले लो, इतने पैसे लगा दूंगा गारंटी ले लो। अगर ऐसी बात होती है तो मैं आप में से किसी को नहीं बोलता, मैं आईसीआई के पास जाता, एक्सिस बैंक के पास जाता, एचडीएफसी के पास जाता और सीधा उनको बोलता भाई साहब गारंटी आप यहाँ लगा दो, आप अपने बैंक को आराम से चलाओ। तो जितना हमने 8, 10, 20 साल में बनाना है उतना एक ही दिन में बन जाता। एक सिस्टम होता है, आपको देखना ही है कि सिस्टम कितना स्ट्रांग है। सबसे पहले हम जब भी किसी काम में जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते क्या है, हम देखते हैं कि यार मैनेजमेंट कौन है, मैनेजमेंट के लोग कौन है, वो मैनेजमेंट को कैसे चला रहे हैं, कितनी ऑनेस्टी से चला रहे हैं। तो ये आपके सामने मैनेजमेंट है, जिसके के सीईओ हैं रेहान गौहर, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरप्रीत धालीवाल, चीफ फाइनेंस ऑफिसर है रिजवान गौर, इस तरह से फिर टेरी जेम्स है, मरियम है, ग्राहम पीटरसन है, उसके बाद लीना है, श्वेता है, डॉक्टर अरसलान अलवी है, और अब जो है ईमा जो है ये भी अभी आ गई हैं। ये 20 कैरियर को देखेंगी और पिछले
जैसे कि बताया जाता है, और जैसे इनका इंटरव्यू आया था, इन्होंने बताया था कि जब ये 14 ईयर की थी तब से ये फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रही है, तो अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास में। कंपनी के काफी सारे ऑफिसेज हैं वर्ल्ड वाइड, कंपनी न्यू ऑफिसेज भी ओपन कर रही है, और साथ ही साथ में कंपनी जो है रजिस्टर्ड है एस्टोनिया से, जहां पर इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है जिसका प्रॉपर एड्रेस आपके पास है। काफी सारे एक्सचेंजेस हैं हमारे जो एस्टोनिया से रजिस्टर्ड हैं, और एस्टोनिया से रजिस्टर्ड करने का रीजन क्या है? कई सारे लोग हैं, भाई यूके की कंपनी एस्टोनिया से क्यों रजिस्टर्ड है? नेचुरल सी बात है कि एस्टोनिया पहली वर्ल्ड की कंट्री है जिसने डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट किया था, इसलिए उन्होंने वहां से उसको रजिस्टर्ड करवाया है। यूएई के अंदर रजिस्टर्ड है, कंपनी का यूके के अंदर ऑपरेशनल ऑफिस है जहां से कंपनी की मैनेजमेंट बैठती है और जहां से इस कंपनी को ये चलाते हैं। अब बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं, भाई कंपनी रजिस्टर्ड एस्टोनिया से है और लोग तो यूके से चला रहे हैं, तो ऐसे में गुनाह क्या कर रहे हैं? आपके सामने बैठे हुए हैं, एड्रेस आपके सामने दिया हुआ है, कोई भी आदमी कभी भी जा सकता है, विजिट कर सकता है। आज तक हजारों लोग जा रहे हैं, हजारों लोग इसको विजिट कर रहे हैं। टर्की के अंदर कंपनी का अपना ऑफिस है, अफ्रीका के अंदर अपना कंपनी का ऑफिस है, और बहुत जल्द जो है कंपनी का ऑफिस दुबई में शेख जैद रोड पर काम चल रहा है उसका, वो कंप्लीट होने वाला है। तो इस तरह से जो है दुबई के अंदर भी हमारा ऑफिस हो जाएगा। तो ये क्यों बनाए रही है कंपनी ऐसे ऑफिसेस? ताकि लोगों को इजीली अप्रोच में रहें और लोगों के साथ में मिलकर काम कर सकें। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, कंपनी का यूएस के अंदर भी ऑफिस है। कंपनी का जो ऑफिस है वो लंदन के अंदर दो ऑफिस हैं कंपनी के, स्वीडन में कंपनी का ऑफिस है। तो ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स हैं उन्होंने भी अपने ऑफिसेस खोल के रखे हुए हैं, लेकिन कंपनी के जो ऑफिशियल ऑफिसेस हैं वो यही है। बात करते हैं अगर हम क्रिप्टो करेंसी की, और पिछले अगर 2 दिन का रिजल्ट देखें तो देखो कितना खतरनाक रिजल्ट रहा है। जो कॉइन 60,000 जिसको हम बिटकॉइन है, देखो बिटकॉइन से तो कभी किसी को कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, चाहे हम जिस कॉइन को हम कर रहे हैं वो हो, चाहे दुनिया का कोई भी कॉइन हो, टोकन हो, कुछ भी हो, हम उसको बिटकॉइन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं, देखो जी हमारा कॉइन आया मार्केट में, उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत कम है, कोई बोलेगा जी 11 लाख है, कोई बोलेगा 10 लाख है, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बिटकॉइन से बहुत आगे चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। तो जो चीजें इम्पॉसिबल है उन पर बहस करना बेकार है। सबसे पहली चीज आप समझें कि 2009 में एक क्रिप्टो आई, और धीरे धीरे करके 2016 तक लोग इनको लेकर अवेयर हो गए, और 2016 के आसपास से काफी सारी क्रिप्टो मार्केट में आने लगी। कुछ 17 में आई, कुछ 18 में आई, कुछ 19 में आई, आज भी आ रही, नो डाउट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन 2016 में अगर हम बात करें तो $952 का था, और इसी साल जो है ये 60 तक भी गया है, लेकिन यहाँ पर जो है जब कंपनी की पीपीटी बनी थी उस टाइम 57K तक था। आज का प्राइस देख लो, आज का प्राइस कहाँ है, लेकिन ये फिर जाएगा। तो अगर हम बिटकॉइन की बात करें, जिस पर्सन ने 2016 में बिटकॉइन में कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, उसने 2021 तक इन 5 सालों में कितना बनाया? 5,887%, 5,887% उस बंदे ने बनाया। कंपेयर कर सकते हैं दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपके उनको लेके, तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो बहुत सारे जिन लोगों ने शेयर मार्केट में काम किया, जिन लोगों ने कहीं भी काम किया, अगर हम उनको कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन में 5,887% का प्रॉफिट बना। एक कॉइन आया 2016 में अपने ब्लॉकचेन को लेकर, जिसका नाम इथेरियम था, और अगर हम इसकी बात करें तो पिछले 5 साल में, अभी आप आज कंपेयर कर लो ये भी 4,000 के आसपास तक गया है, लेकिन अगर हम आज की बात करें इसको लेके, तो 4,000 था, आज 2,000 के आसपास पहुंचा, 1,600 के आसपास आया। तो अगर हम उस जिस दिन ये पीपीटी बनी थी उस दिन $1,700 के आसपास था, और अगर हम उसकी बात करें तो 2,01,993% का ग्रोथ था। ठीक है जी, अपने आप में एक हिस्ट्री।
बाइनेंस की बात करें, 70 सेंट से स्टार्ट होकर 300 प्लस डॉलर गया, 400 प्लस के आसपास भी पहुंचा, लेकिन 248 तक अगर हम ले रहे हैं तो 35,328% का ग्रोथ बना। लाइट कॉइन, जेड कैश, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉइन है जिन्होंने हिस्ट्री बनाई। कुछ कॉइन्स ऐसे भी हैं जो रात को आए और सुबह उन्होंने 10x 20x दिया, नो डाउट। आज हम बात करते हैं भाई फलाने कॉइन में डालो 10x हो जाएगा, 20x हो जाएगा, होता है, लेकिन लॉसेस भी होती हैं। एवरेज कब निकलती है? आज मैंने किसी कॉइन में पैसा लगाया और मैं ये बोलूं कि मैंने 20x बना लिया, तो पोर्टफोलियो डिपेंड करता है आपका आफ्टर वन मंथ, आफ्टर वन ईयर, क्योंकि आप लॉन्ग ट्रेड में काम कर रहे होते हैं। तो जब आप लॉन्ग ट्रेड में काम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या रहता है कि आपने लॉन्ग ट्रेड में गए, लॉन्ग ट्रेड में काम किया, पोर्टफोलियो देखा जाता है आपका। आज मैंने यहाँ पर आया, मैंने $10,000 से स्टार्ट किया, $5,000 से स्टार्ट किया, आफ्टर वन ईयर मेरे पास क्या है, आफ्टर सिक्स मंथ मेरे पास क्या है, दैट इज अ पोर्टफोलियो। और तब पता चलता है कि मैंने क्या बनाया और क्या खोया। अगर मैं किसी कॉइन में 20% बनाता हूं, मैं पोस्ट डालता हूं कि मैंने 20% बनाया, लेकिन मैं जब लॉस करता हूं मैं कभी नहीं डालता हूं। अगर आज मैं बात करूं डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स की, नो डाउट पिछला टाइम हमारा सारा अल्ट कॉइन्स का रहा है, बहुत अच्छा बुल रन चला, लोगों ने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया, लेकिन लॉसेस भी हुए ना। जैसे अभी क्राइसिस आया, इसमें लोगों का कितना लॉस हुआ, शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है। तो आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसी भी सिस्टम में जब जा रहे हैं तो आप कितना उसको स्ट्रांग समझ रहे हैं और कितना स्ट्रांग समझ कर काम कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक दूसरी करेंसी जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं उसका नाम है बिटकॉइन। ये भी 20 सेंट से स्टार्ट हुआ और 81-82 सेंट यूरो तक गया। अगर हम डॉलर में बात करें तो ये लगभग 1.10-1.14 सेंट डॉलर तक गया, मतलब $1.14 तक गया। और हम किसको यूज कर रहे थे? हम इथेरियम के ब्लॉकचेन को यूज कर रहे थे। वहां पर गैस फीस बढ़ गई तो हमारे कॉइन में ट्रेडिंग होना बंद हुई तो हम धीरे धीरे करके नीचे आते रहे। और एक टाइम ऐसा आ गया जब हम 26-27 सेंट पर आ गए, इवन 22 सेंट पर आ गए थे। कंपनी ने डिसीजन लिया, कंपनी डिसीजन मेकर बनी और कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो बनाया अपने ब्लॉकचेन को चेंज किया, उसे वो TRC20 के ऊपर ले गए। क्यों ले गए? ताकि वहां पर जो गैस फी ना के बराबर लगे। कल ही एक पैकेज लगा था, मनीष भाई ने कल पैकेज लगाया था 500 यूरो का, और वहां पर अब जो गैस फी लगी, वो गैस फी लगी लगभग मेरे ख्याल से $1.50 के आसपास, $500 के पैकेज पर आई थिंक $600+ बन रहे थे। और उनके ऊपर जो ट्रांजेक्शन चार्ज लगा वो लगा $1.50 के आसपास। ऑथेंटिक है, समझ में आता है, लेकिन अगर $600 ट्रांसफर करने के लिए $100 गैस फीस लग रही है तो कोई भी बंदा कर नहीं पाता है। तो हमारा जो कॉइन है वो हिट बीटीसी, बीज एक्सचेंज, एक्स मार्केट, बिलेक्सी और फैट बीटीसी के ऊपर इस टाइम लिस्टेड है, लेकिन वेरी सून 31 मई हम सब इन एक्सचेंजेस पर डी लिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम ERC20 से TRC20 के ऊपर जा रहे हैं। और हम फिर अभी एक ही एक्सचेंज पर रहेंगे जिसका नाम है बिलेक्सी। अभी हम आज एट द प्रेजेंट कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी हैं, लेकिन जैसे हम डी लिस्ट होंगे, सभी लोग ध्यान दें, हम कॉइन मार्केट कैप से भी हट जाएंगे। लेकिन जैसे ही फिर वहां पर चीजें स्मूथ होंगी, फिर पेयरिंग होगी, क्योंकि पेयरिंग तो सबके साथ होनी है, जैसे पेयरिंग होगी हम फिर इनके साथ आ जाएंगे। तो मार्केट में नेगेटिव रिव्यू देने वाले हो सकते हैं कि वो आपको भी ऐसे ऐसे वीडियोस दें कि भाई साहब देखो कॉइन मार्केट कैप से ये कॉइन हट गया, हिट बीटीसी से हट गया, एक्स मार्केट से हट गया, फैट बीटीसी से हट गया। नेचुरल सी बात है कि वहां ईआरसी के साथ पेयरिंग है, टीआरसी के साथ पेयरिंग नहीं है। तो जैसे जैसे एक्सचेंजेस के साथ में इंटीग्रेशन होता जाएगा, अप्रूवल मिलते जाएंगे, दोबारा इन एक्सचेंजेस पर आ जाएगा और हो सकता है इससे ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर भी आ जाए। ठीक है जी। तो सबसे बड़ी चीज क्या है इस कॉइन की, क्योंकि इस कॉइन के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम है जो बहुत ही रेयर है कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जितने भी टोकन्स और जितने भी कॉइन हैं उनके अंदर ये इकोसिस्टम हो। सबसे पहले हमारा अपना वॉलेट है जो कि बिटकॉइन के नाम से है, 100% डिसेंट्रलाइज है, कंपनी का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है।
आप जो है इस वॉलेट को यूज कर सकते हैं, जैसे आप मेटामास्क को यूज करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट को यूज करते हैं, वैसे आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब ये टीआरसी है, तो आप जब भी एक जगह से दूसरी जगह 20 कॉइन को चेंज करेंगे तो आपके वॉलेट में क्या होना चाहिए, कुछ ट्रॉन होने चाहिए, 20 ट्रेवल। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर हम बात करें तो शायद ऐसा ही कोई कॉइन या टोकन है जिस कॉइन से आप फ्लाइट्स बुक कर सकते हो, होटल्स बुक कर सकते हो। आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री, किसी भी गांव, किसी भी मोहल्ले में रहते हो, आप अपने आसपास में इस कॉइन से जो है यहाँ पर बुक कर सकते हो होटल्स, और वर्ल्ड में कहीं भी जाना है तो आप बुक कर सकते हो फ्लाइट्स। मेरे वीडियो में ऑलरेडी, मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, फ्लाइट्स की बुकिंग पड़ी हुई है, होटल्स की बुकिंग पड़ी हुई है, शॉपिंग के जो है मेरे वो पड़े हुए हैं, वीडियोस पड़े हुए हैं, पिज़्ज़ा हट के वीडियोस पड़े हुए हैं, सीसी डे के वीडियोस पड़े हुए हैं कि हर जगह कॉइन यूज होता है। बहुत सारी कंट्री में पॉज सिस्टम चल रहा है, कंपनी का खुद का अपना मेटा 5 के ऊपर लाइसेंस है, और बहुत जल्द आपको बिज एफएक्स के ऊपर, जैसे हमारा ऑक्टा एफएक्स चल रहा है, जैसे दूसरे चल रहे हैं, वैसे ही बिज एफएक्स के नाम से एक हमारा वेंडर आ रहा है जो कि MT5 और शायद मे बी MT4 पर भी हो, जहां पर हम खुद ब्रोकर होंगे, पैसे आपके अकाउंट में रहेंगे, वहां पर ट्रेडिंग भी होगी, सब कुछ होगा, और आप अपने पैसे के जब आपका मन करे आप अपने पैसे को वापस निकाल सकते हो, और वहां पर आपके पैसे की गारंटी भी होगी कि आपका पैसा नहीं डूबेगा, लेकिन एक लिमिटेशन होगी कि आप उससे छोटा पैकेज वहां नहीं लगा सकते हो, और यहाँ पर 100% श्योर होगा कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो ऐसा कुछ कमिंग सून आ रहा है, तो ये मैंने आपको अपडेट दे दिया है। इन्फी पे कमिंग सून, बिस्को आप जाएं, गेम खेलें, गेम खेल के कॉइन बना सकते हैं, उनको रिडीम कर सकते हैं, कंपनी के पास अपना ATM है। बिज वॉलेट, बिज मार्ट के नाम से एक एप्लीकेशन है, आप वहां पर जाएं, वाउचर बनाएं और आप उनको रिडीम करें अमेजोन के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर, डेमिनोज के ऊपर, बिग बाजार, सीसी डे, KFC, पिज्जा हट, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर जाकर आप उनको क्या करें, आप उनको रिडीम कर सकते हैं। कंपनी का खुद का अपना एक्सचेंज है, बिज कैरियर के नाम से जो कंपनी का एक अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, आप जो भी पैकेज बाई करते हैं उसके साथ में आपको एजुकेशन मिलती है, मींस आपको एजुकेशन भी मिल रही है, कॉइन भी मिल रहे हैं। कंपनी का खुद का अपना आज की डेट में रियल स्टेट के अंदर, इस्तांबुल के अंदर अपना टावर है, अब हम पर प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर कंपनी 20 कॉइन से डायरेक्ट नहीं कर पा रही है, मींस वाउचर की तरह यूज नहीं कर पा रही है, जैसे हमारे इंडिया में अमेजोन पर चलता है, बिग बाजार पर चलता है, CCD पर चलता है, KFC में चलता है, पिज्जा हट में चलता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज है जहां नहीं चल पा रहा है। तो अभी जो हमारा कार्ड है वो टर्की में यूज हो रहा है, टर्की में ये कॉइन से, इस कार्ड में आप अपने कॉइन डालो और उसको जो है नैरो के अंदर यूज करो, माडा के अंदर यूज करो, MACD के अंदर यूज करो, KFC के अंदर यूज करो, बहुत सारी वो चीजें हैं जहां यूज करो, इवन आप पेट्रोल पंप पर जाकर फ्यूल भी इससे ले सकते हो। कमिंग सून मोर देन 22 कंट्रीज हैं जहां पर ये कार्ड आ रहा है, और इस कार्ड की हेल्प से आप बहुत सारी चीजों को बाई भी कर सकते हो। तो ये सारे का सारा वो इकोसिस्टम है जिस इकोसिस्टम के दम पर कॉइन मार्केट में है, और नेचुरल सी बात है जिस कॉइन की यूजेबिलिटी ज्यादा होती है, जो कॉइन मार्केट में यूज होता है, तो उसकी डिमांड भी पैदा होती है, और डिमांड भी पैदा होती है तो कॉइन का प्राइस भी बढ़ता है। तो 1 जून से जो हम TRC के ऊपर होंगे, ये सारी चीजें होने लगेंगी, तो कॉइन का प्राइस फिर बढ़ने लगेगा। ज्वाइनिंग यहाँ पर 100% फ्री है, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया आप उनके लिंक से जाएं ज्वाइन करें। कुछ यहाँ पर पैकेजेस हैं जिनको हम बिज कैरियर पैकेजेस बोलते हैं, मिनिमम 200 यूरो का है, देन 500 यूरो का है, फिर 1000 यूरो का है, फिर 2500 का है, देन 5000 का है। पहले 10,000 यूरो और 25,000 यूरो का भी था, तो कंपनी ने पैकेज बंद कर दिए। अब आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि अगर कंपनी को भागना होता तो कंपनी के 10,000 और 25,000 के बहुत अच्छे पैकेजेस सेल हो रहे थे, आपने हजारों पैकेज ऐसे देखे हैं जो कि 25,000 के लोग ले रहे थे, ऐसे वीडियोस आपने देखे, तो कंपनी करती है 50,000 का पैकेज निकालती, 1,00,000 यूरो का पैकेज निकालती, लेकिन कंपनी ने वो 25,000
और 10,000 का भी बंद कर दिया, हाईएस्ट पैकेज रखा 5,000 का। क्यों रखा कंपनी ने? क्योंकि कंपनी जो है वो लीगैलिटी से काम कर रही है और उनको कंपनी को प्रॉपर चलाना है। अब यहां पर कंपनी क्या दे रही है आपको, 20 कैरियर के अंदर 4x में एजुकेशन दे रही है। पहली चीज तो अगर आप 200 यूरो से आते हैं तो आपको एक ट्रायल एजुकेशन का पैक मिलता है जो 15 डेज का होता है। आप देख सकते हैं कि कंपनी कैसे सिखा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको 500 यूरो में अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड नहीं होगा मीन्स नया पैक ले सकते हैं। अब आपने 500 यूरो का पैकेज लिया, या तो आप फर्स्ट मतलब पहले बार में ले लो या सेकंड फेज में ले लो। अब आपको यहाँ पर बिगिनर लेवल का एक 4x का एजुकेशन पैकेज मिलता है, तो नेचुरल सी बात है अगर आप 500 में हैप्पी होते हैं, आप कुछ सीखते हैं, तो आप 1000 में जा सकते हैं प्रोफेशनल के अंदर, जहां पर आपको 3 मंथ का प्रोफेशनल लेवल का 4x एजुकेशन मिलती है। और बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें इंटरनल हैं, अभी मैं थोड़ा सा आगे शेयर भी करूंगा आपके साथ में। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो इसका इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि कंपनी को अपने एजुकेशन पैकेज पर कॉन्फिडेंस है, इसलिए उन्होंने बोला कि अगर 1000 से आप हैप्पी होते हो, यू गो विद 2500, देन यू गो विद 5000। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस पैकेज को डायरेक्ट लो, चाहे आप इसको एक बार सीख लो फिर आप नेक्स्ट वाला ले लो। अगर आप 6 मंथ का लेते हैं तो आपको मिलता है इलाइट नाम है उसका, इलाइट लेवल का 4x एजुकेशन का पैकेज, जहां पर आपको 6 मंथ की एजुकेशन मिलती है। और अगर हम 5000 यूरो का पैकेज लेते हैं तो 12 मंथ की आपको एजुकेशन मिलती है। अब कंपनी ने बोलना होता तो ये बोल सकते थे, बोलते यार 10,000 का पैकेज तो ऑलरेडी चल रहा था, लोग इसको यूज कर रहे थे, 25,000 का चल रहा था, तो क्यों बंद करते? वो ये बोलते भाई साहब नहीं, ये वाले जो पैकेजेस हैं इन पे हम आपको और एक्स्ट्रा चीजें दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपने जो पैकेजेस बाई किए, इन पैकेजेस के साथ साथ में आपको आज के प्रेजेंट प्राइस में जितने का पैकेज है उतने के कॉइन भी मिलेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर पैकेजेस की बात हो रही है, अगर आप 200 यूरो से आते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, 20 एजुकेशन मॉड्यूल्स मिलते हैं। अगर आप 500 यूरो से आते हैं तो आपको लाइव स्ट्रीम में मिलती है 12 घंटे की पर डे। अगर आप आते हो 1000 यूरो से तो इन्होंने एक इंडेक्स बनाया है जिसका नाम है न्यूटन इंडेक्स, ये आपको देते हैं। और यहाँ पर एक ट्रिक बताया हुआ है कि उस ट्रिक से आप कैसे काम करोगे और कैसे ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे। अगर आप 2500 यूरो से स्टार्ट करते हो तो इन्होंने एक बनाया दा विंसी कोड, ये भी एक उन्होंने नाम रखा हुआ है। और जो यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी उस स्ट्रेटजी से आप और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर आप 5000 यूरो से स्टार्ट करते हैं तो लाइव स्पोर्ट चालू होती है और आपको 8 आवर्स पर डे का जो है यहाँ पर सब चीज़ें आपको मिलती हैं। साथ साथ में आप जो पैकेजेस लेते हैं उनपे आपको पैसिव रिवार्ड्स मिलते हैं। रिवार्ड्स कैसे मिलते हैं, अगर आप जो भी अपने पैकेजेस लिए होते हैं, एक तो आपको उस पे कॉइन मिलता है और उस कॉइन के ऊपर आपको अप टू 0.5% डेली अवार्ड की बात होती है। लेकिन अगर हम एक प्रैक्टिकली बात करें तो यहाँ पर आप जो है अप टू 0.5% आपको जो प्रॉफिट मिलता है, अभी जो प्रॉफिट मिल रहा है वो आपको मिल रहा है बेस कॉइन के अंदर भी और बीजेक्स के अंदर भी। तो बीजेक्स इनका कमिंग सून कॉइन है, बट वेरी सून बीजेक्स बंद होने वाला है क्योंकि कंपनी का 97% कॉइन मार्केट में रिलीज हो चुका है। क्योंकि उन्होंने जितना भी उसका कॉइन रिलीज करना था दैट इज 100 मिलियन, और उसका 97% रिलीज हो चुका है। जैसे ही 3% कॉइन रिलीज हो जाएगा उसके बाद में ये कॉइन मिलना बंद हो जाएंगे, उसके बाद आपको ओनली 20 कॉइन ही 20 कॉइन मिलेगा। डेली रिवार्ड्स हैं आपको 5 डेज अ वीक, कमीशन आपको जो है 7 डेज अ वीक मिलती है, और विड्रॉल यहाँ पर आपके लिए डेली है। ये हो गया, आप खुद आते हैं, 4x भी सीखते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, और उसके बाद में अपना प्रॉफिट बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है और आप दूसरे लोगों को शेयर करते हैं तो क्या होता है, आपको 5 तरह की इनकम मिलना शुरू हो जाती है। पहली इनकम है आपको डायरेक्ट बोनस, दैट इज अ 10%। सेकेंड बोनस टीम बोनस, जो कि
बाइनरी इनकम जिसको बोलते हैं, अगर आपका पैकेज 200 या 500 यूरो का है तो आपको 7% की बाइनरी, अगर आपका पैकेज 2,500 या 1,000 या 2,500 का है तो आपको 8% की बाइनरी, और अगर आपका पैकेज जो है यहाँ पर 5,000 यूरो का है तो आपको 9% की बाइनरी मिलती है। एक इनकम हो रहा है जिसको मैचिंग बोनस बोलते हैं, सिंगल लेग इनकम भी बोलते हैं। अगर आपका खुद का पैकेज ट्रेडर पैकेज है दैट इज अ 5,000 यूरो और आप काम कर रहे हैं तो आपको 5 लेवल की डेप्थ का हर किसी पर्सन से जो उसकी डेली की क्लोजिंग होती है बाइनरी की, उसका हर पर्सन से आपको 2-2% आता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इनकम है। रेनुअल बोनस, अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ने जो पैकेज बाई किया था आपको 52 वीक्स तक आपको प्रॉफिट शेयर मिलता रहा और आफ्टर 52 वीक्स आपके जो पॉइंट्स है वो आपको रिलीज हो गए, आप उनको कहीं भी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप काम करते हो, आप टीम बनाते हो तो आप बड़ा पैसा बना रहे हो। तो जब आप बड़ा पैसा बना रहे हो दैट्स मीन्स वहाँ कैपिंग इफेक्ट। तो कैपिंग कैसे है कि आपका जो रेनुअल बोनस मिलेगा आपको, मीन्स आपने जितने का भी पैकेज लिया है उस पर आप 4 टाइम्स बना सकते हो। मीन्स आपने 1,000 यूरो का पैकेज लिया है तो आप 4,000 यूरो बना सकते हो, आपने 5,000 का पैकेज लिया 20,000 यूरो बना सकते हो। आपका पैकेज एक्सपायर हो जाएगा, आपको दोबारा अपने पैकेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। टीम बोनस, डायरेक्ट बोनस, ये सब ऐसे ही चलते रहेंगे। रिवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर 6 रिवार्ड हैं। पहला रिवार्ड है आपके पास में TL, आप आते हैं और आप यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और आप 2 लोगों को 30 डेज के अंदर लेकर आते हैं, एक पर्सन को लेफ्ट में और एक पर्सन को राइट में, जो कि दोनों 500-500 यूरो से होते हैं। तो आप यहाँ पर टीम लीडर बन जाते हैं और अगर आप टीम लीडर बन जाते हैं तो आप बाइनरी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। प्लस आपको जो डेली रिवार्ड है वो भी एक्स्ट्रा मिलता है इन केस अगर आप 30 डेज में 2 लोगों को नहीं ला पाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो आपको डेली रिवार्ड में जो कुछ मैक्सिमम मिल रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा, और उसके बाद जिस भी दिन आपके 2 लोग आ जाएंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में बिजनेस पैकेज से, तो फिर आप बाइनरी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे क्योंकि आप TL बन जाएंगे। और जिस दिन आप TL बन जाओगे तो आपको कंपनी क्या करेगी, इनकम थोड़ा ज्यादा देगी क्योंकि आप टीम लीडर हो यहाँ पर। जिस दिन आपके नीचे 2 टीम लीडर बन जाएंगे, आप टीम मैनेजर बन जाते हो, आपको एक सर्टिफिकेट देती है कंपनी। जिस दिन आपके नीचे 2 टीम मैनेजर बन जाते हैं तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो। अब आप इसका साइनेरियो समझेंगे कि यहाँ पर क्या है कि कंपनी बोलती है आप खुद तो कमाओ लेकिन अपने डाउनलाइन को भी सपोर्ट करो कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो रैंक अचीव करेंगे तभी आप अपग्रेड होंगे, और जब आप तभी अपग्रेड होंगे तो आपको तो बेनिफिट होने वाला है। क्या बेनिफिट होने वाला है? जैसे ही आप रीजनल डायरेक्टर बनते हैं, जब आपके नीचे 2 सीनियर मैनेजर हो जाते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और आपका बिजनेस किसी भी 90 दिन का प्रीवियस किन्हीं भी 90 दिन का जो है आपका ₹500,000 का बिजनेस आपके दोनों साइड होता है, आपको एक कंपनी मैकबुक देती है। जिस दिन आपके नीचे, अब आप यहाँ बनते हो क्योंकि यहाँ पर आप रीजनल डायरेक्टर बन गए हो, आपका जिस दिन आपके नीचे 2 रीजनल डायरेक्टर आ जाते हैं और आपके नीचे 1 मिलियन का पिछले प्रीवियस किन्हीं भी 90 डेज का जो बिजनेस है वो 1 मिलियन वॉल्यूम हो, मतलब इस साइड, तो आप यहाँ पर रीजनल प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो कंपनी का जो भी नेक्स्ट इवेंट रहेगा वो आपके लिए फुली पेड रहेगा, सारे का सारा जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी आपके लिए पे करेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, जब आपके नीचे 2 रीजनल प्रेसिडेंट आ जाएंगे तो आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और किन्हीं भी प्रीवियस 90 डेज में जब आपके नीचे 2 मिलियन का बिजनेस होगा तो आपको कंपनी की ओर से एक ओडी मिलेगी जो फुली पेड होगी, कोई डाउन पेमेंट नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी, और ये E5 है। तो कंपनी बोलती है कि वी आर द नंबर वन कंपनी नॉट इन द वर्ल्ड बट फॉर द वर्ल्ड। समझ सकते हैं कंपनी क्या बोलना चाह रही है। एक ट्रेनिंग अकाउंट है जो कि 50K का मिलता है, और इसको लेकर MT4 MT5 पर कैसे होगा इसका काम, अगर कोई पर्सन इसके लिए पर्सनली जानना चाहता हो तो हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। कंपनी का नेक्स्ट इवेंट अगस्त में होगा, जो कि अंटालिया में होगा, जो कि 6, 7 और 8 अगस्त का रहेगा, और आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप रैंक अचीव करते हैं तो फुली पेड ट्रिप रहता है, और अगर आप रैंक अचीव नहीं करते हैं तो आपको खुद टिकट बाई करके जाना होता है,
$300 का यहाँ इवेंट का टिकट है, सॉरी यूरो का, 300 यूरो का टिकट है, प्लस आपका जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे आपको खुद करने होते हैं। और उसके बावजूद भी आपने देखे होंगे प्रीवियस इवेंट कि हजारों लोग इवेंट में आकर पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उन लोगों को कंपनी पर भरोसा है, वो कंपनी के साथ पैसे बना रहे हैं, इसलिए वो लोग अपने पैसे खर्च करके इवेंट तक पहुंचते हैं। क्योंकि तो इवेंट एक प्रमोशन का मीडियम भी होता है। अगर मैं भी किसी इवेंट में जाता हूँ, मैं वहां से कई सारी चीजों को आपके साथ में शेयर करता हूँ, तो आपके बिजनेस भी उससे इंक्रीज होता है। ठीक है जी, ये थी हमारी कंप्लीट प्रेजेंटेशन। अभी हमारा कंपनी का दुबई में एक ऑफिस ओपन हो रहा है, और इस ऑफिस को ओपन होने के लेकर हमने भी कुछ छोटा सा एक टारगेट दिया था कि भाई ये जो भी 31 तक इस टारगेट को अचीव करेंगे उनको जो है हम दुबई लेकर चलेंगे। तो कुछ भाई लोगों ने जो है अब यहाँ पर उस टारगेट को अचीव कर लिया है, तो मैं बताता हूँ कि वो भाई लोग कौन कौन है। फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर रविराज। ये भाई जो है 3 नाइट 4 डेज के लिए दुबई में जो है, ये इनका मोस्ट वेलकम है। और ये सारे का सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टीम 007 कर रही है, यहाँ पर कंपनी का कोई रोल नहीं है। ठीक है जी। दूसरे हैं हमारे मनोज कुमार जो कि डॉक्टर हैं, और इन्होंने अचीव किया है, तो इनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि इन्होंने दुबई के इस ट्रिप को विन किया है जो कि 3 नाइट 4 डेज का है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में इब्राहिम भाई। इब्राहिम भाई ने इसको अचीव किया है, तो मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद हो इब्राहिम भाई को कि आपने जो है इसको रैंक को अचीव कर लिया। मनीष भाई ने अचीव कर लिया है अभी, तो मनीष भाई को भी मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारक हो कि इन्होंने इस रैंक को अचीव किया है। 4 भाइयों के बैनर बनकर आ गए हैं, 10 लोगों के भी बैनर और हैं, तो मे बी कल तक वो आ जाएंगे। जैसे वो आ जाएंगे तो मैं उनको भी आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कौन भाई लोग हैं जिन्होंने इस अभी जो हमारा ट्रिप है इसको उन्होंने क्या किया है कि अचीव कर लिया है। और ये मोस्ट प्रोबली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 14 पीपल्स हैं जिन्होंने इसको अचीव कर लिया है। तो अभी काफ़ी टाइम है आपके पास भी, आज अभी 22 मई है, 31 मई तक का टाइम है, आप भी इसको अचीव कर सकते हैं और आप भी चल सकते हैं। करना क्या है आपको, आपने एक 500 यूरो का पैकेज बाई करना है, खुद का सेल नहीं करना है, क्योंकि आप सेल करते हो तो वो वाला पर्सन क्वालिफाई होता है। लेकिन अगर आप 1000 खुद अपना ऑन पैकेज बाई करते हो तो आप क्वालिफाई होते हो। इसके लिए आपको मेरी ओर से फ्लाइट का टिकट, होटल का स्टे, उधर का फूड, कंपनी का ऑफिस जो है उसकी विजिट, जो सीईओ है कंपनी के रेहान गौहर उनके साथ में मीटअप, ये मेरी ओर से रहेगा। वीजा आपको खुद करना होगा, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मेरी ओर से हैं। और ये क्यों ऐसा सब चीजें हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आप सबके साथ में बोला है कि भाई यहाँ पर जो है हर किसी को एक मौका मिलता है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था मुझे भी ऐसे किसी पर्सन ने एक मौका दिया था, और वो पर्सन मुझे लेकर गए थे सिंगापुर। जब मैं सिंगापुर गया, सिंगापुर मैंने चीज़ों को देखा, चीज़ों को मैंने समझा, और वहां से मैंने अपने को प्रमोट करना स्टार्ट किया, तो समझ में आया कि नहीं भाई मुझे उसका रिजल्ट मिला। तो वो कुछ मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं जिनको मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि आप भी करो इनको। जब आप दुबई पहुंचोगे, ऑफिस को शेयर करोगे, आप अपने वीडियोस बनाओगे, आप अपनी सीईओ के साथ में पिक्चर्स निकालोगे, आप उनको लोगों के साथ में शेयर करोगे, अपनी स्टोरीज पर लगाओगे, फेसबुक स्टोरी पर लगाओगे, इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाओगे, तो नो डाउट आपको भी रिजल्ट आएंगे। और आज की डेट में यही होता है, अगर हम सीधी दो शब्दों में बात करें कि जो दिखता है वो बिकता है। अब सुनील भाई हैं, सुनील भाई गाड़ी चलाते हैं बेसिकली, और बहुत सारी स्टोरी लगाते रहते हैं कि आज मैं मनाली हूँ, आज मैं यूपी में हूँ, आज मैं अपने गांव में हूँ, आज मैं वहाँ हूँ, आज मैं वहाँ हूँ। वो लोगों के लिए आम चीज़ है। क्यों आम चीज़ है? क्योंकि वो हर कोई कर रहा है। डिफरेंट क्या किया उन्होंने? डिफरेंट उन्होंने ये किया कि
उन्होंने कुछ काम कर रहे थे, वो दुबई पहुंचे। दुबई से उन्होंने बोला कि आज मैं दुबई में हूँ भाई, और अब मैं दुबई आया हूँ और मैं कुछ काम कर रहा था और उसको लेकर मैं दुबई पहुंचा हूँ, और आप ये देखें सब चीजों को देखें। तो वो लोग जो देख रहे थे कि ये बंदा मनाली जा रहा है, ये बंदा आज वहां जा रहा है, आज वहां जा रहा है, तो उनको पता है यार ये बंदा है गाड़ी चलाने वाला बंदा है, गाड़ी चला रहा है, लोगों को लेकर जा रहा होगा, चाहे वो अकेले घूम रहे हो, अपनी मर्जी से घूम रहे हो, अपने पैसे खर्च करके घूम रहे हो, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी है, तो उनके मेंटेलिटी में क्या होगा, बोले बोले यार किसी को लेकर गया होगा सवारी को, वीडियो डाल, लेकिन उधर सबको पता होगा, क्योंकि उधर पता होगा कि बंदे ने कुछ टारगेट मिला, वो बंदे ने टारगेट है यार, तो टारगेट अभी दिया ही नहीं है 31st तक, 31st तक तो ये बोला है कि अपना पैकेज बाई करो, दैट्स इट, टारगेट तो 31st के बाद देंगे। उसके बाद क्या कि भाई जिन लोगों ने अपने इन्होंने कोई टारगेट अचीव किया और टारगेट अचीव करके पहुंचे, जब टारगेट अचीव करके पहुंचता कोई बंदा तो हर आदमी उसको जानने की कोशिश करता है ये क्या कर रहा है। मनिंदर भाई हैं हमारे, मे बी एक दो दिन में इनका भी क्वालिफाई हो जाएगा, ये भी लगे हुए हैं। मैं मनोज भाई को भी यही बोलूंगा कि मनोज भाई क्वालिफाई करें आप, और अगर आप क्वालिफाई करोगे तो ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा गारंटेड, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो, आप समझो बात को। मैंने यहाँ पर ऐसा देखा कि यार मैं देखो, मैंने पिछले एक साल भर में आप सबने मेरे साथ में काम किया और मैंने पैसा बनाया, तो मैंने भी एक टारगेट निकाला, क्यों ना मैं यार 8-10 लाख रुपए अपनी टीम पर खर्च करूँ। खर्च करने का तरीका है, या तो मैं आप सबको बुलाऊं, एक जगह बुला लूं, सबको दारू पिलाऊं, सबको एंजॉय करवाऊं, बात खत्म। तो उसमें शायद आप लोग मेरी ज्यादा वाहवाही करोगे। क्यों बाबाई करोगे, मैं बोलूंगा सारे लोग एक सेंटर पॉइंट पर आ जाओ यार। सेंटर पॉइंट मान लो हमने बोला कि हम सब लोग बैंगलोर में मिलते हैं, बैंगलोर में मैंने हॉलीडे इनको बुक कर दिया, किसी को बुक कर दिया या किसी रिजोर्ट को बुक कर दिया, मैंने बोला 4 दिन यहाँ रहो, झक्के दारू पियो भाई। जितनी हमारी फीमेल्स थी हमने उनको इन्वाइट किया, आप आ जाओ, उनको बोला भाई तुमने जो इंजॉय करना है वो करो, आप 3 दिन बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, इस रिजोर्ट के अंदर जो है वो आप खाओ, जो करना है वो खाओ, जो पीना है वो पियो। शायद मैं वहां भी यही होगा, 5-7 लाख रुपए पे होगा, लेकिन हुआ क्या, उससे आपको रिजल्ट नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप एक बार दुबई पहुंचते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, मैं दुबई की बात नहीं है, कंपनी के ऑफिस पहुंचते हैं, कंपनी के सीईओ से मिलते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो हमेशा यहां से सोचो, बिजनेस करने के लिए आए हो, बहुत सारे भाई लोग हैं जो दिल से सोचते हैं, कुछ भाई लोगों का ये होगा रिंकू का, इसमें रिंकू का कोई फायदा है, मेरे भाई क्या फायदा है, 500 यूरो का पैकेज दोगे, मेरा 5,000 का पैकेज है, 9% आना है मुझे, ठीक है, 500 का 9% कितना होता है कैलकुलेशन कर लो, और इतने में अगर कोई बंदा दुबई लेके जाता हो तो मुझे बता देना। और आप सबको पता है कि बिलस्टेड नाम की कंपनी किसी सिंगल बंदे को 54 नहीं देती है, और अगर आज देती होती तो आज इंडिया में मेरी टीम 17-18 हज़ार लोगों की नहीं होती, मतलब इंडिया में ही नहीं है हमारी, लगभग आज 45-44 कंट्री में टीम काम कर रही है, तो हम यही नहीं होते, आज इंडिया में मेरी टीम 10 लाख प्लस होती। क्यों? क्योंकि मुझे हर किसी सेटिंग तो करनी है, क्योंकि सेट वर्कर बहुत सारे घूम रहे हैं मार्केट में। आज मेरे साथ मनीष भाई बोले मुझे, भाई मेरे पास एक बंदा आया हुआ है और उसको सेटिंग देनी, मैं बोलूं भाई ठीक है करो बात, लेकिन सबको पता है कि कंपनी कुछ नहीं देती है, तो जितना भी फुल्ली पेड हो रहा है ये अपनी ओर से हो रहा है।